चलिए आगाज करते हैं प्रोग्राम का इस अहम खबर के साथ कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर इस साल 2022 में जिस तरीके से सड़क हादसात के हमारे सामने लंबी फहरिस्त रही, कई कीमती जानें जाया हुई, ये सिलसिला इन आखिरी लम्हात में भी जारी है। और करगिल से इस वक्त बड़ी खबर है कि जहां पर एक फॉर्च्यूनर गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हुई पंजला जंस्कार के मकाम पर, देर रात ये सड़क हादसा हुआ, एक मुसाफिर की मौत हुई है जबकि तीन दीगर जख्मी हुए हैं इस एक ही गाड़ी में, DL 3CBX 1444 ये गाड़ी का नंबर था, दिल्ली नंबर की गाड़ी थी और जंस्कार से करगिल जा रही थी। और बताया जाता है कि पंजला के मकाम पर ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हुई और गहरी खाई में चली गई। इसके बाद पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD और बताया जाता है कि बाकी तीन जो है इतलात के मुताबिक ये लेबरर्स हैं, कैजुअल लेबरर हैं जो कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD में काम करते हैं। तीन लोग जिनको बाकी माइनर इंजरीज आई हैं एक्सीडेंट में और एक कैजुअल लेबर की मौत हुई है, इस तरह की इतलात हैं। साथ ही साथ इतलात मिलने के बाद पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची, सभी जख्मियों को अस्पताल की तरफ से ले जाया गया। और अब्दुल अजीज तारसुरू करगिल का रहने वाला था जिसकी इस हादसे में मौत हुई, कैजुअल लेबर था। और बताया जाता है कि जो लोग जख्मी हुए उनमें काचू मुमताज, इनायत अली, मोहम्मद तारिक, ये तीन लोग जख्मी हुए हैं। और करगिल पुलिस ने अब केस भी रजिस्टर किया है, इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हुई है। पंजला के मकाम पर जंस्कार से करगिल जाते हुए ये फॉर्च्यूनर हादसे का शिकार हुई, एक शख्स जो क्रिटिकली जख्मी हुआ था इसकी मौत हो जाती है, जिसकी शनाख्त हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक अब्दुल अजीज के तौर पर हुई, तारसुरू गांव का रहने वाला था। और जो इनिशियल डिटेल्स हैं, ऑन स्पॉट इस कैजुअल लेबरर की मौत हुई, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के ये तमाम लोग थे और तीन दीगर लोग जख्मी हुए जिन्हें रात देर गए, चूंकि सर्द रातें हैं, हादसात के बाद ऑपरेशन चलाने में सबसे बड़ा जो एक बड़ा चैलेंज रहता है, मुश्किलात काफी ज्यादा रहती है, तो ये सिलसिला इस तरीके से चला है। करगिल के अंदर हादसा हुआ है और 1444 जो गाड़ी का नंबर था हादसे का शिकार हुई है और एक शख्स की मौत करगिल जंस्कार रोड पर, जबकि तीन दीगर जख्मी हुए हैं। तीन बाकी जख्मी जो हैं जिनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है, इनायत अली, तारिक और काचू मुमताज, लेकिन अब्दुल अजीज नामी एक कैजुअल लेबर की मौके पर ही मौत हो गई है इस सड़क हादसे में।